सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में स्पीच बबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, गूगल डॉक्स पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, स्पीच बबल बनाने के लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हमें जाना है ड्राइंग में। ठीक है, ड्राइंग में जब अपने कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे ड्राइंग का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये है ऑप्शन शेप्स का। ठीक है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से कॉल आउट पे जाइए। तो जब आप कॉल आउट पे कर्सर ले जाएंगे तो राइट साइड में यहाँ नीचे देखिए, ये है ऑप्शन स्पीच बबल के। तो मान लीजिए कि ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओवल कॉल आउट। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये प्लस साइन बन करके आ गया। अब आप जहां चाहे वहां पर एक स्पीच बबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया और ये देखिए, ये है पॉइंट। ठीक है, इसको पकड़ करके आप इसको जहां चाहे वहां मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये हमने मूव करा दिया। अब बीच में लिखना कैसे है उसके लिए देखिए, इसको सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पर ये देखिए टी बना हुआ आएगा, आपको टेक्स्ट के लिए ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक ब्रैकेट मतलब टेक्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा। अब यहाँ पर आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम हेलो टाइप कर देते हैं। ठीक है, बस बाहर क्लिक करते ही देखिए हेलो लिख करके आ गया। तो इस तरीके से हम स्पीच बबल बना सकते हैं गूगल डॉक्स में। यहाँ सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते ही ये पेज पर आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है।